वालेकुम तो आज बन रहा है जी सी एस सी की स्कॉलरशिप के ऊपर पाँचवाँ पार्ट आपका जो पाँचवा डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सा चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है ना, मैबूर हसन खुर्शीद मैंने अपनी जर्नी जो थी स्टडी की चैनल स्टार्ट की थी यूरोप से अब मैं कनाडा में हूँ और मैं इस चैनल के ऊपर जो है स्टडीज़ के बारे में टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वगैरह कैसे लेने हैं तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी चाइना के अंदर स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कि आप सी एस की जो स्कॉलरशिप है चाइना की वो कैसे ले सकते हैं तो उसका आज ये पाँचवां पार्ट है जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आपने जो स्टडी प्रपोजल है स्टडी प्लान है वो कैसे लिखना है उसका जो टम्पलेट है वो किस तरीके का होता है तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा तो मैं आपको लेके जाऊँगा अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर तो आपको मिलता हूँ वहीं पर अच्छा जी हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ जो कि मुझे प्रोफेसर ने टम्पलेट सेंड किया था और प्रोफ़ेसर ने मुझे ये बोला था कि भाई मुझे ये ये वाली चीज़ें इस रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर या स्टडी प्लान के अंदर मुझे ये चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं वो ठीक है ये है जी वो रिसर्च प्रपोजल का टम्परेट जो मुझे प्रोफेसर ने सेंड किया आपका जो भी सुपरवाइज़र है प्रोफेसर आप उसमें उसका नाम लिखेंगे ठीक है वगैरह वगैरह उसका सिग्नेचर होगा ये ये उसकी चीज़ें हैं सिग्नेचर वगैरह सर सी बात उसने करनी है आपने सिर्फ लिख के उसे सेंड मार देना है अच्छा जी उसने बोला कि भाई सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए ठीक है टॉपिक किसने हमारी डिटेल बताई कि टॉपिक किस लिहाज से होना चाहिए आपका रिसर्च कॉन्टेक्ट्स क्या है और या फिर आपका जो रिसर्च का बैकग्राउंड है वो क्या है ठीक है उसके बाद आपके एम्स क्या हैं और आपकी जो रिसर्च है आप क्या उसमें हासिल करना चाहते हैं ठीक है तो सेम चीज़ इन्हें पूछी कि वट आर यू एमिंग टू अचीव इन योर रिसर्च ठीक है कि आप अपनी आप, आप, जो रिसर्च है उसमें आप क्या हासिल करना चाहते हैं फिर बस उसने पूछा कि रिसर्च क्वेश्चन और सिर्फ क्वेश्चन जो होते हैं वो कौन से हैं इसके अंदर कि आप अपनी जो रिसर्च है उसके उसके सवाल भी करने होते हैं ना उसने बकर आपको पूरा आपको ना एक ब्रेन स्ट्रॉन्ग किया कि आपने भाई जो भी रिसर्च प्रपोजल लिखना है या स्टडी प्रपोजल लिखना है या स्टडी प्लान लिखना है उसके अंदर आपने क्या क्या, क्या लिखना है उसके एंड पर उसने ये भी पूछा कि भाई आपका मेथड कौन से होंगे उस रिसर्च को टैकल करने के लिए ठीक है इसमें ये बताया कि ये उनके लिए जिसका पी जिसने पी एच डी में अप्लाई करना है कि यह जी अगर आपने पी एच डी में अप्लाई करना है तो आपको पहली कोई रिसर्च वगैरह है तो वो हमें सेंड करेंगे नहीं तो कोई मसला नहीं है उसके जी की रीडिंग्स वगैरह मतलब किसने हमें टम्पलेट दिया है इस टम्पलेट के बेस के ऊपर हमने जो है ना इस रिसर्च प्रपोजल को तैयार करना है ये तो हो गया जी प्रोफेसर का अब मैं दिखाता हूँ जो कि सैम्पल है हमारे पास चले ये वाला देख लेते हैं जी सबसे पहले आ गया प्रोविजनल टॉपिक ठीक है टॉपिक हमने लिख दिया टॉपिक इसमें ये आ गया ये मेरे ख्याल से उसका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है या फिर सिविल इंजीनियरिंग का है इसके अंदर क्योंकि मेरे पास तीन चार पड़े हुए हैं एक इलेक्ट्रिकल का पड़ा हुआ है एक सिविल का पड़ा हुआ है और एक पढ़ा हुआ है बिज़नेस का तो येक्ट्रिकल है ये इलेक्ट्रिकल हाँ, का है तो इक्ट्रिकल इंजीनियर वाले इंजीनियर वाले जो बंदे हैं इस रिसर्च प्रपोजल को जब पढ़ेंगे उन्हें समझ लग जाएगी क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का नहीं हूँ मुझे नहीं पता है मैं क्या हो रहा है लेकिन मुझे इतनी समझ आ रही है कि जो जिस बंदे ने रिसर्च प्रपोजल लिखा है इसके अंदर क्या सिस्टम चल रहा है ठीक है उसकी क्या वो वो चीव करना चाहता है इस चीज़ के अंदर ठीक है जी उसने बता दिया अपना सबसे पहले जो टॉपिक वो क्रिएट कर दिया फिर उसने बताया रिसर्च कॉन्टेक्स मेरा क्या है जो कि दूसरा उसने कर दिया ठीक है मेरा रिसर्च कॉन्टेक्स ये है उसने बताया कि मैं इसके अंदर क्या क्या करूँगा उसके बाद ये चैलेंजेस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वो भी उसने क्लियर कर दिए ठीक है, है जिसमें एम्स आ गए ऑब्जेक्टिव्स आ गए फिर उसने भी भाई आगे रिसर्च अच्छा इसके अंदर भी उसने मैच किया शायद मैंने उसने हाईलाइट नहीं किया लेकिन खैर उसके आगे उसने ये भी बताया कि भाई मेथड कौन से इसके अंदर मैं कौन कौन से जो मेथड है वो अप्लाई करूंगा या यूज़ करूंगा इस चीज़ को लिखने के लिए अब ज़ाहिर सी बात है आप इतना कोई महान नहीं होता कि उसने बैठ के सारा ये खुद ही लिख, लिख लिया होगा ठीक है आप गूगल पर जाएँ अगर लेट्स अगर आपकी रिसर्च अगर आपका मेजर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका मेजर है आप वहाँ पर जाकर सर्च करें कुछ पहले ऑलरेडी किसी लोगों ने बना के अपलोड किए होंगे रिसर्च प्रपोजल अगर नहीं भी किए होंगे आपको थोड़ा बहुत टेम्पलेट्स मिल जाएंगे अब अब उसका करना क्या है आपने अब आपने थोड़ा एक दफ़ा पढ़ लें क्योंकि जो भी आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने ये रिसर्च करनी है मैंने ये कार्ट अंजाम करना है तो वो काना जाके आपने वाकि करना भी है अगर आपने प्रोफेसर एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार जो आपने मुझे एक रिसर्च प्रपोजल दिया है आप वो वा काम करेंगे भी तो इसलिए अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि यार मैं वाकई इस चीज़ पर जाकर काम करूँगा आप वही लिखें और उनमें से वो पैराग्राफ्स वो जो हैडिंग्स हैं वो उठा लें ठीक है जो गूगल के ऊपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं उन्हें मैच करके ठीक है आगे सर्च के लिए उस प्रोफेसर को भेज दें अब आप देते आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ अगर आपको नैनो मटेरियल्स का पता ही नहीं है और ना आपने कभी सर्च किया ना आपके कोई दिल करता है तो आप उठाकर इसके अंदर डाल दें प्रोफेसर को भेज दें अब प्रोफेसर तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यार ये बंदा आएगा यहाँ पे ठीक है या कि नैनो मटेरियल्स के अंदर जाके काम करेगा अब आपको इस चीज़ का पता नहीं आपने सिर्फ किसी तरीके से बस सोचा कि नहीं यार मैं किसी तरीके से बस स्कॉलरशिप ले लूँ जो प्रोफेसर से हाँ करवा लूँ लेकिन कल को जाकर आपको जो है ना वहाँ पर थोड़ा बहुत मसला होगा एक बात याद रखनी है आपने शायद आपको किसी ने बताया ना वो पहले जो स्कॉलरशिप होती है हर साल वो चेक करते हैं अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अगले साल वो स्कॉलरशिप जो है वो कंटिन्यू होती है वरना उस साल वो स्कॉलरशिप नहीं देते ये बात आपने याद रखनी है ये नहीं कि बस एक दफ़ा मार्का मार लिया स्टार्ट पे आगे जाके बस खैर है तो ये सिस्टम नहीं होती है थोड़ा सा ये भी जाके देखना आप अच्छा एक एक तो ये होगी ऑप्शन अब दूसरी दिखाते हैं जी स्टडी ये किसका आ गया हाँ ये आ गया जी इसका सिविल इंजीनियरिंग का आ गया सिविल इंजीनियरिंग का बिल्कुल हाँ उसमें उसने सेम चीज़ें लिखी अब इस अब कभी कभार प्रफर्स लिखते हैं जी 500 वर्ड्स का हो कभी कोई कभी, कभी कभार उसने तो कोई लिमिट नहीं दी होती कभी कभी कहते हैं जी हज़ार का होना चाहिए आ, एक जो नॉर्मल सेफ साइड है वो पाँच से लेके एक वर्डिंग जो है इतने तो होना चाहिए आपको रिसर्च के अंदर ठीक है अब इस ये वाला जो है मेरे ख्याल से कितने का था ये वाला तकरीबन चार सौ के आसपास है आप जो है जर सी बार अपना की वर्ड है आप उसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं थोड़े बहुत मजीद स्लाइडें डाल के या मजीद जो है इन्फॉर्मेशन डाल के अंदर इसने बताया कि यार मेरे जो सर्च क्वेश्चन हैं वो ये वाले हैं ठीक है मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए उसने एम्स बताए रिसर्च क्वेश्चन बताए रिसर्च मेथड बताए अपना कौन सा है ठीक है उसने की रीडिंग्स भी बताई कि भाई मैं कौन कौन सी रीडिंग लेना चाहूँगा या क्या चक्कर है इसके अंदर तो जी ओवरऑल वीडियो यही है ये जो ये वाला जो सैम्पल है ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये हर बंदे की डिफरेंट होगी जो जिस फील्ड में भी तुम जा रहे हो क्योंकि सर सिर्फ हट हर हर कोई सिविल वाला नहीं होगा ना ही हर कोई जो है ना वो इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला होगा तो, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको दे देता हूँ और आपने फिर ये जो है ना ख़ुद ये चीज़ें खुद बहुत जो है ना फाइंड करनी है गूगल से जाके इसको अच्छा तैयार करना है पाँच सौ हज़ार वर्ड के बीच ठीक है ज़्यादा ओवर वर्डिंग भी ना हो बीच में कि वो ऐसे लगे कि जी रिपोर्ट लिख के भेज दी है थोड़ा सा ना अपना अपना अपना, अपना ह्यूमन टच दें इसके अंदर लास्ट ऐसे लगे कि जो आपने जो है ना रिसर्च प्रपोजल लिखा है किसी और बंद ने लिखा खैर आपने जिस कर लिया प्रोफेसर को सर्ड मारे प्रोफेसर साइन वगैरह करेगा तो जी आपका जो है ना ये लास्ट वाला स्टेप वो भी कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद अगर कोई चीज़ रहती है तो मेरे ख्याल से रहती है मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट के आपने मेडिकल जो है वो कैसे करवाना है मेडिकल बड़ा इजी है फिलिंग डॉक्टर ने करनी होती है एक एक दोस्त मुझसे पूछा था कि जी मैं मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड कर लिया अब मैं बताऊँ इसको कैसे फिल करूँ भाई ये तुमने फिल नहीं करना ये डॉक्टर फिल करेगा अगर टेस्ट वगैरह लेगा तुम्हारे उस हिसाब से आपको फिलिंग करेगा अगर डॉक्टर खुद बनना है तो <laughs> क्या बात है फिर खैर तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी कि आपने जो है वो फिलिंग वाला किया है या फिर कोई सैंपल सेंड कर दूंगा जो कि ऑलरेडी फ़िल्ड हुआ है किसी बंदे का मैं वो अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर ताकि जाके जो ना आप लोग देख लें ये ग्रूप है ठीक है मैंने पहले भी बताया है काफ़ी दफ़ा इतना भी खास चल नहीं रहा क्योंकि मैं अभी इतना टाइम ही दे पा रहा एडमिशन मेरे पास बहुत ज़्यादा आए हुए हैं उस वजह से करके मैं जो ना है ना इतना टाइम ही दे पा रहा इन चीज़ों को तो जितना मैं कोशिश करता हूँ मैं मैं कोशिश करता हूँ कि यार इन चीज़ों को जो है ना अपलोड किया जाए खैर मैं ये भी अपलोड कर दूँगा पीछे सी भी रह गई है वो भी अपलोड कर दूँगा मैं इसके बाद ये इस वीडियो के बाद और मेडिकल के बाद प्रटी मच आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे कम्प्लीट हो जाएंगे अब आगे जो कोई यूनिवर्सिटी की कोई फाइल वगैरह कोई कह लें आपके कोई फॉर्म वगैरह फिल करना हो तो वो तो आपको प्रोफेसर वगैरह कोई सेंड कर ही देगा कि जी ये वाला फॉर्म फिल कर दें ये वाला कर दें वो 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 फिर यूनिवर्सिटी भी यूनीवर्सिटी पर डिपेंड करता है लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हैं सारे तो जी ये वीडियो बनानी थी मैंने ठीक है आ, इन सब के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स आलमोट सारे रेडी हैं अब आप अप्लाई कर सकते हैं खुद भी अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में मैं सबको उम्मीद करता हूँ कि यार आप को आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए आपकी जो जो भी आपके प्लान्स हैं गोल्स हैं वो पूरे हों आपको स्कॉलरशिप मिले आप चाइना में जाएँ मजीद तरक्की करें चाइना से आगे निकलने के लिए डेट से कर आप यूरोप जाना चाहते हैं कनाडा जाना चाहते हैं अमेरिका आना चाहते हैं आपके जो भी प्लान्स हैं वो पूरे हों तो अगर इन इन आगे फ्यूचर के अंदर कहीं भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े क्योंकि मैंने सहरसी बात मैडमी चाइना से स्टार्ट किया था और आज मैं कनाडा में हूँ तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है चाइना से बाहर निकलने का आगे कल कोई यूरोप वगैरह मूव होने का या यूरोप से आगे कनाडा अमेरिका मूव होने का तो अगर तो किसी दोस्त ने पूछा इसकी कोई ख्वाहिश हुई अगर ज़्यादा दोस्तों ने पूछा तो मैं वीडियो बना दूँगा वरना तो मैं एक खुद, तो को रिप्लाई कर दूँगा खुद पर्सनली तो यही थी सारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो अगर आपने मेरे थ्रू एडमिशन करवाना है क्योंकि मैं भी ये काम करता हूँ मेरी एक छोटा चैनल है मैं यूक्रेन में यूरोप में ठीक है इवन के चाइना में भी ये काम करता हूँ किया है मैंने तो अगर आपने मेरे थ्रू एडमिशन करवाना है आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपकी हेल्प करूँगा इस चीज़ के अंदर और इसके अलावा कोई भी मजीद हेल्प हो मैं कोशिश करूँगा कि यार आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूँ इसके अलावा और तो कुछ नहीं यार अपना ख्याल रखें फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए अल्लाह